हॉस्पिटल की ओर से 72 वर्षीय रोगी की, जिनके ब्लॉकेज क्रिटिकल होने से सर्जरी जरूरी थी, लेकिन फेफड़ों की क्षमता महज 30% रह जाने से जनरल एनेस्थीसिया देना कठिन था। ऐसी स्थिति में क्रिम्स किंग्सवे हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों ने जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क कम करते हुए अवेग बाईपास सर्जरी का विकल्प चुना और सफलतापूर्वक इस सर्जरी को पूरा किया। अक्सर बाईपास सर्जरी के लिए रोगियों को जनरल एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन कई बार कुछ गंभीर रोगियों के लिए जनरल एनेस्थीसिया देकर बाईपास सर्जरी करना कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक 72 वर्षीय रोगी जिनके ब्लॉकेज क्रिटिकल होने से सर्जरी जरूरी थी, लेकिन फेफड़ों की क्षमता महज 30% रह जाने से जनरल एनेस्थीसिया देना कठिन था। ऐसी स्थिति में किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों ने जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क कम करते हुए अवेग बाईपास सर्जरी का विकल्प चुना। इस सर्जरी में रोगी की केवल छाती का हिस्सा सुन था। रोगी डॉक्टर से बातचीत करता रहा और चिकित्सकों ने उनकी सफल सर्जरी पूरी कर ली। सर्जरी के चौथे दिन रोगी को डिस्चार्ज कर दिया गया। शहर में अब तक की पहली अवेग बाईपास सर्जरी है। इस सर्जरी को किंग्सवे के सीनियर कार्डियोवास्कुलर एंड थैरेसिक सर्जन डॉक्टर विवेक लांजे, किंग्सवे के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार, सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसिया डॉक्टर मनीष सोनकुसले, डॉक्टर कल्याणी सूरकर, डॉक्टर ज्योति पानेकर, डॉक्टर विजय लांजे, डॉक्टर संतोष मानकर की टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक हीरामन लांजे, मैं सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन किंग्सवे में हूँ। अभी हमने 21 मार्च को एक अनोखी सर्जरी, जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, एक 72 साल के एक हमारे पेशेंट में हमने बाईपास सर्जरी की है, जिसको हमने नाम दिया अवेक बाईपास सर्जरी। अवेक बाईपास सर्जरी में इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें हमने जो हमारे पेशेंट है उनको हमने जो जनरल एनेस्थीसिया देकर हम लोग पूरा बेहोश करते हैं वो इसमें नहीं किया है। इसमें पेशेंट पूरे सर्जरी में सांस, खुद की सांस ले रहा था और हमसे बातचीत भी कर रहा था। तो इसमें ये पेशेंट में हमने दो बाईपास किए हैं, एक लीमा, एक जो वेसल रहती है छाती के पीछे वो LAD वेसल पर लगाई है, और एक वेन ग्राफ्ट हमने PDA ग्राफ्ट को लगाया है। तो इसमें हमने दो तरीके से इनको एनाल्जेसिया दिया था, एक रीढ़ की हड्डी में हमने एक इंजेक्शन दिया और एक पैर की नस के बाजू में हमने इंजेक्शन दे के पैर को बधिर किया था। तो ये हमारी सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही है और पेशेंट चौथे दिन हमने इसको डिस्चार्ज किया है। अभी बाकी का जो एनेस्थीसिया का पार्ट है, जो हमारे डॉक्टर मनीष सोनकुसले चीफ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, वो बताएंगे। किंग्सवे के सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसिया डॉक्टर मनीष सोनकुसले ने कहा कि रोगी की उम्र ज्यादा थी, फेफड़े बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, फेफड़ों की क्षमता 30% तक रह गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें जनरल एनेस्थीसिया देने पर काफी दिन वेंटिलेटर पर ही रहना पड़ता, कई दिनों तक उन्हें ICU में भी रखना पड़ता था, इसलिए हमने अवेग बाईपास सर्जरी का विकल्प चुना। इसके लिए पीठ की रीढ़ की हड्डी के बीच में सुई लगाई और उसमें से छोटी नाली पीठ के अंदर डाली गई और में से सुन करने वाली दवाई शुरू की गई। इसके बाद सिर्फ उनकी छाती का हिस्सा ही सुन हो गया, जबकि रोगी जगा हुआ था, और हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष सोनकुसले, चीफ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट किंग्सवे हॉस्पिटल। ये जो सर्जरी हमने की, इसमें मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर विवेक लांजे सर का स्पेशली मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि पेशेंट रेडी हो जाए सर्जरी के लिए अवेक, क्योंकि इसमें पेशेंट जगा हुआ रहता है और आपका ऑपरेशन चलता रहता है, तो पेशेंट का काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कार्डियक सर्जरी में थोरेसिक एनेस्थीसिया के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है कि सब कार्डियक सर्जरी में आपको ब्लड थिनर जो दवाई चालू रहती है, जो मेजर दवाई चालू रहती है वो इकोस्प्रिन क्लोपिडाप रहती है, जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है वो आपको 5 दिन पहले बंद करना पड़ता है, जो हमने किए थे। और दूसरी बात ये थी कि जो ऑपरेशन के दौरान हम लोग हिपेरिन देते हैं जो ब्लड पतला करता है, और इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हमारा जो पेशेंट था ये 72 साल के गृहस्थ थे जो खदान में काम करते थे, तो इनके वजह से उनके फेफड़े थोड़े ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में COPD बोलते हैं। तो उनके जो लंग कैपेसिटी जो थी ऑलमोस्ट 30% तक आ गई थी,
तो अगर हम इनको जनरल एनेस्थीसिया देते तो ये वेंटिलेटर पे काफ़ी दिन तक रहते, या फिर उनके उनके बाद बाईपैप सपोर्ट लगता और वो आईसीयू में काफ़ी दिन रहते थे। तो इसके लिए हमने एक एपिडोरल एनेस्थीसिया जो रहता है, जिसमें हम लोग पीठ की जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसके बीच में जाके हमने सुई लगाई, और उसमें से हमने एक 16 गेज का जो कैथेटर रहता है, जो छोटी नली रहती है, वो पीठ के अंदर डाली, और इसमें से हमने जो नस सुन करने वाली दवाई रहती है वो हमने चालू कर दिया। तो उसके बाद में उनके छाती का, सिर्फ छाती का भाग वो सुन हो गया, और पेशेंट जगा हुआ था, और हमने उसमें ऑपरेशन कर लिया। देखिए, बाकी जो जनरल एनेस्थीसिया में जो CBG सर्जरी रहती है उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सेफ्टी आ गई है, तो ऑलमोस्ट सेफ है कि आप 98-99% तक बोल लीजिए कि वो सेफ़ रहती है। 1-2% की रिस्क अभी भी है, बट अगर अवेक CBG की बात करें तो इस बारे में कोई डाटा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने पहले ट्राई किया, बट वो ट्राई चालू किया है और बाद में उनको पूरा जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ा है। हाँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मध्य भारत की पहली सक्सेसफुल सर्जरी हमारी पहली थी और वह सक्सेसफुल हुई है। डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवाल ने कहा कि उन्होंने 5 वर्ष पहले रोगी आनंद राव की एंजियोप्लास्टी की थी, लेकिन किसी कारणवश वे फॉलोअप के लिए नहीं आ पाए और दवाइयां बंद कर दी। इस कारण स्टेंट में ब्लॉकेज आ गए और एंजियोग्राफी में मालूम हुआ कि ब्लॉकेज काफी क्रिटिकल थे और बायपास जरूरी है। उन्हें अस्थमा भी था, उनके फेफड़े बहुत खराब हो गए थे। ऐसे मामलों में सामान्य तौर पर बायपास सर्जरी कठिन होती है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवाल है, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ किंग्सवे अस्पताल में। ये जो पेशेंट थे मिस्टर आनंद राव, इनका मैंने 5 साल पहले एंजियोप्लास्टी किया था, बट किसी कारण से कोविड के दौरान वो मेरे पास फॉलोअप के लिए नहीं आ पाए और उन्हें गोलियाँ बंद कर दी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेंट्स लगे थे उसमें ब्लॉकेज आ गए। अब जो हमारे पास आए थे, हमने एंजियोग्राफी की और देखा कि ब्लॉकेज काफ़ी क्रिटिकल थे और बाईपास के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं था, बट उनको सीवियर अस्थमा भी था, उनके लंग्स बहुत ख़राब थे। तो ऐसे केस में जनरल एनेस्थीसिया देके सर्जरी करना, बाईपास सर्जरी करना बहुत दिक्कत वाला काम था। तो जब हमने, हमारी टीम ने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं, तो एक अवेक सर्जरी का हमारे पास ऑप्शन था। सो जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष सर है एनेस्थेटिस्ट, ही सेड कि इसको हम लोग कर सकते हैं अवेक सर्जरी, और डॉक्टर लांजे सर ने उसको ब्यूटीफुली परफॉर्म किया और पेशेंट 7वें दिन पे सेफली डिस्चार्ज हो गया है, फॉलोअप में भी आया है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। सो जहाँ पे भी जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे अवेक सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए एक्सपर्ट टीम और एक्सपर्ट सपोर्टिंग स्टाफ और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो किंग्सवे अस्पताल में अवेलेबल है। तो भविष्य में भी किसी को अगर ऐसा लगता है कि अवेक सर्जरी का ऑप्शन है तो ज़रूर उन्हें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर गंजेवाल ने कहा कि इस सफल सर्जरी से यह भी स्पष्ट हो गया है कि जहां पर जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क ज्यादा होता है वहां अवेक सर्जरी एक अच्छा विकल्प है। NBCN न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।